उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को कंटेनर ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें 5 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए और कई लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर क्षेत्र के आला अधिकारी पहुंचे हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर के जिले के पुलबट्टा थाना अंतर्गत सिरसा चौकी के निकट बड़ा हादसा हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं से बड़ी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से आ रहे कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते उत्तराखंड तथा यूपी की पुलिस तथा बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल उत्तर प्रदेश का बहड़ी कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर के शक्तिपारम क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु ग्राम उत्तम नगर सिद्धि बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक रविवार को विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जा रहा है कि बहड़ी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा चौकी के निकट पीछे से आ रहे कंटेनर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद हालत बुरी हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली सड़क के बीच ही पलट गई। घटना में करीब आधा दर्जन लोग की मौके पर ही मौत हो गई है। अचानक हुई घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं ट्रैक्टर ट्राली पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सहित लगभग 45 से अधिक लोग सवार थे। घटना की सूचना पर ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर गुरुद्वारा कमेटी के दर्जनों सेवादार अपने वाहन लेकर मौके पर पहुंच गए। सेवादारों द्वारा घायल श्रद्धालुओं ने निजी वाहनों के उपचार के लिए बहड़ी, रुद्रपुर तथा किच्छा अस्पताल में भर्ती कराया है। किच्छा तथा रुद्रपुर के अस्पतालों में चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया था। घटना में करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के डीएम युगल किशोर पंत ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घायल एवं मृतक लोगों के परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पर गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हुई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। सर, कुछ लोगों की सामान्यतः जो सुशीला तिवारी गए हैं उनमें से एक की कंडीशन सीरियस है और जो भैड़ी में है उनमें से भी एक की कंडीशन सीरियस है और जैसे भी इनकी कंडीशन हुई उस हिसाब से उसका इलाज कर रहा है।